ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में कुपोषण को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने कुपोषण को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। स्वदेश शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में पिछले 8 महीने में 31,000 से ज्यादा बच्चे कुपोषित पाए गए हैं, जिसमें 21 बच्चों की मौत हो गई है। एम्स में के पुनर्वास केंद्र में इलाज के दौरान 2 बच्चों की मौत हो जाना दुखद है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस अपने 15 महीने के कार्यकाल में कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस के आंकड़े के पास आंकड़े कहां से आते हैं पता नहीं। तो अब कुपोषण को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। वहीं विश्वास सारंग ने भी पलटवार किया है और स्वदेश शर्मा ने कहा कि बच्चों को संतुलित आहार नहीं दे पा रही सरकार, मध्य प्रदेश में अब कुपोषण को लेकर राजनीति हो रही है। और चलिए आपको सुनवाते हैं कि कांग्रेस नेता स्वदेश शर्मा और विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा है। 8 माह में मध्य प्रदेश में 31,000 से अधिक कुपोषित बच्चे पाए गए हैं, जिनमें 21 बच्चों की अब मौत हो जाना और 21 में भी 5 राजधानी में मौत हो जाना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सरकार अपने चिकित्सा छात्रों को आरएसएस के नेताओं का पाठ पढ़ाने में लगी हुई है, कुपोषण की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। इनके 15 वर्ष के कार्यकाल के दौरान कुपोषण मध्य प्रदेश में पहले नंबर पर था और आज उसी पायदान को छूने जा रहा है। कांग्रेस के पास ये आंकड़ा कहाँ से आता है मुझे नहीं मालूम। हमारी सरकार कटिबद्ध है पूरी तरह से कुपोषण समाप्त करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान लेकर ये सुनिश्चित करने के निर्देश दे चुके हैं कि मध्य प्रदेश में पूरी तरह से कुपोषित बच्चे की जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाए और सुपोषित वो हो जाए, और इसके लिए हमारा महिला बाल विकास विभाग भी बहुत मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। और वहीं इस पूरे मामले पर कमलनाथ ने भी ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश में पिछले 8 महीने में 31,000 बच्चे कुपोषित हैं, इनमें से कई की मौत हुई है प्रतिदिन 87 बच्चे कुपोषित मिल रहे हैं। आंकड़े बेहद भयावह है। यह है शिवराज सरकार के 16 वर्षों की हकीकत। कुपोषण, शिशु मृत्यु दर, बेरोजगारी में मध्य प्रदेश शीर्ष पर है।